हमें इसको इसके साथ ऐड करना है। तो अब की बार आप क्या करोगे, इस टेक्स्ट को यहाँ से पकड़ो, ठीक है, और अपना फ्रेम पकड़ के टेक्स्ट को बाहर पेस्ट करना, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट किया, अब कहीं भी रख लो दोनों को, यहाँ से हमने इसको पकड़ना है। क्या करेंगे, शिफ्ट ए, जैसे मैंने फ्रेम बनाया दोनों अलाइन हो गए ऑटोमेटिक, ठीक है, ये काम अपना हो गया। यहाँ से जाके अपन इसको करेंगे डिलीट, ठीक है, और इस वाले को पकड़ के क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट रखना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच की गैपिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम लोग कितना कर देंगे, 8, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से अपने पूरे फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, हमारा डायरेक्शन बिल्कुल सही है, ऐसे ही रखना है राइट साइड में। आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको फ्रेम को सेलेक्ट, तो यहाँ पर आप देखोगे अगेन हमारे पास अलग अलग वैल्यू है, इसके तो खैर अभी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फिल कंटेनर कुछ दिखाई दे रहा है, और ये अलग फ्रेम पकड़ो, यहाँ पर कंटेंट पर आओ। अच्छा, हमने इस पर फिल कंटेनर डाल दिया, फिल नहीं डालो, इस पर फिक्स विड्थ ही रखना है, और यहाँ से इसको पकड़ के छोटा करो, और फिर उसके बाद अपना तो मान लो कि कल को डिज़ाइन छोटा हो बड़ा हो जो मर्जी हो, लेकिन मेरा ही जो ये ग्राफिक है, ठीक है, ये अपनी सही पोजीशन पर रहनी चाहिए, ठीक है। कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्ट अपना ऑफिस को हटा दो। अब मान लो एग्जांपल के लिए स्क्रीन चेंज होती है, ठीक है, ये तो हो गया मोबाइल फ़ोन के लिए। चलो डाल के देख लेते हैं, कहीं पर मैं बनाया था ना फ्रेम, एक कॉपी करो यहाँ से, ये तो समझ आ गया, इसको डिलीट कर दें, ठीक है, कॉपी, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया इसको, बढ़िया आ रहा है। तो चाहो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत और बड़ा कर सकते हो इसको। ये हमारा डेस्कटॉप है, इसको अलग रखो उठा के, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारा टैबलेट रहेगा, फ्रेम के अंदर कॉपी बनाया, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट आ सकते हैं अपने इजीली। अभी मैं जस्ट रैंडम डालूँ, आपने पूरा ग्रिड डाल के देन कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब लोग टैबलेट में आएंगे, अगर बूटस्ट्रैप अप्रोच के साथ काम करें, मटेरियल में काम करते हो तो कितने होते हैं टैबलेट में, 8, यही पढ़ा था ना हमने, और अगर बूटस्ट्रैप से काम करें तो 12, ठीक है। और टैबलेट का और लैपटॉप का यानी कि लार्ज डिस्प्ले का जो लेफ्ट राइट मार्जिन होता है वो 24 ही रहता है, ठीक है। कितने आते हैं, ये 4 आते हैं, 5 आते हैं, मेरे ख्याल से 4 ही होते हैं ना, और एक बना फिल्टर वाला पार्ट आ जाता है, किधर है दिखा दो, 4 ये प्लस एक फिल्टर, हाँ वही आता है, पूरा फ्रेम सेलेक्ट, अलाइनमेंट, जरा यहाँ पर अपनी किधर आता है भाई, लेआउट ग्रिड प्लस, यहाँ जाएंगे, क्या बोलेंगे इसको, कॉलम, कॉलम कितने रहेंगे अपने, किधर गए, यहाँ पर काउंट 5 है, इसको क्या कर देंगे 12, और यहाँ से जो गटर है वो मार्जिन लेफ्ट राइट डाल लो 24,
ऑलमोस्ट अपना बिल्कुल सेट ही आ गया है मोटा मोटी देखा जाए तो। और एक अपना यहाँ जाएगा, इसको बड़ा कर लूँगी आप यहाँ से पकड़ के, जैसे हमने अपना फ्रेम बढ़ा किया एडजस्ट हो गया, फायदा दिखाई दे रहा है फ्रेम होने का, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने तो बस काट टू काट अलाइन करके देना है। ये तो पैडिंग है ना हमारी, ये तो जैसे आप बूटस्ट्रैप का कॉलम लेते हो तो कॉलम के अंदर भी पैडिंग होती है, रो लेते हो रो के अंदर भी पैडिंग होती है, कंटेनर लेते हो कंटेनर के अंदर भी पैडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको, ये तो हमने अपने प्लेसमेंट के लिए रखा है, बाद में आप इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से मोबाइल मोड में आओगे, ठीक है, तो इस पर आप यहाँ पर एट रख के भी अपना काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जाएंगे, इसमें हमारे क्या चलेंगे फोर, यहाँ जाओगे क्या करेंगे कॉलम नंबर ऑफ काउंट फोर, और मोबाइल में क्या चलता है अपना 16, गटर डाल दिया हमने, ये चलेगा अपना 8 और मार्जिन कितना रहेगा 60। तो ये है अपना फ्रेम होने का फायदा, ठीक है। तो जब ये बड़ा हो तो ये वाला कंटेंट ना हमारा यहाँ आना चाहिए था इसके साथ, तो इसको और अभी हमें एडजस्ट करना है, तो हमारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी बढ़िया से। तो ये वाला जो हमारा फ्रेम है यहाँ जाना है, इसको बोलेंगे फिल कंटेनर, फ्रेम बड़ा हो गया। इसके बाद में इसके अंदर जो हमारा कंटेंट है, इमेज इमेज अपनी सेट है इसके अंदर, फिक्स्ड फिक्स्ड टेक्स्ट को पकड़ के रखो, इसको करके फिल कंटेनर डालना और ये अपना ये वाला पार्ट, तो डेस्कटॉप पे आओ और यहाँ जाके ऑटो लेआउट, नहीं क्या डालना था, लेआउट ग्रिड, यहाँ से कॉलम 12 कॉलम रहेंगे, गटर 24 का रहेगा और मार्जिन 300 का, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट वैसे चल रहा है अपना 1600 पर, तो एक्चुअल में तो देखा जाए तो हमारा पूरी विड्थ जो है वो उसी के हिसाब से, लेकिन अगर बूटस्ट्रैप वाला अगर हम लोग देखें तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर में काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल मार्जिन जो है वो उतना नहीं रखूँगा, मैं मार्जिन यहाँ पर 24 का फॉलो करने वाला हूँ। तो अपने चार प्रोडक्ट जो हैं वो आप इस तरह से डिफाइन करोगे, ये 3 पर आएगा, ये 3 पर होगा, ये 3 पर होगा, कहना कि अगर हम लोग इसको बना रहे हैं तो अभी देखो ये 1600 पिक्सल है टोटल बिट जो है, ठीक है। तो हम लोग अभी लेफ्ट साइड ना उसके लिए भी रख लेंगे फिल्टर लोग बनाने के लिए, और नहीं तो फिर आपके पास ऑप्शन वाला है कामयाब फिंगर, जैसे जाके अगर टैबलेट उसके बूटसे वाले कॉन्सेप्ट से बना रहे तो मार्जिन में कितना लिखोगे 300, फिर आप उसके अकॉर्डिंग छोटा करोगे उसको। तो मैं डिलीट कर लेता हूँ, पहले एक सेट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको आप छोटा करोगे, कितना आएगा मार्जिन 204। अच्छा ये सॉरी 1920 नहीं है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना फिर था हमारा इसके फ्रेम का 1728, एक मिनट को जरा 16 वाले का इतने आ रहे हैं 1728 है ना, तो यहाँ पर
पर कैलकुलेट कर लो, 17 28 और हमारा कितना रहा वर्किंग है, 1320 डिवाइडेड बाय 2204 अपना डाल दो यहाँ पर। थैंक यू, यहाँ जाके 204। फिक्स करिए इसको, ये हमारा है फ्रेम, इसको हम बोलेंगे यहाँ से फिल कंटेनर, ये हो गया अपना, इसके अंदर अपना टेक्स्ट, इसको बोलिए फिल कंटेनर, अपना एडजस्ट हो गया। और यहाँ से एक अपना इधर आएगा, एक अपना यहाँ होगा, जो भी डेटा आप इसके अंदर बदलना चाह रहे हो, जैसे एक हमने अपना व्यू बना लिया ना, पूरा सेलेक्ट पोजीशन मूव, तो इनके बीच का गैप आप देख रहे हो, यहाँ से पकड़ के हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं सभी को, प्लस एक बार जितने गैप पर रखना चाहते हो वो गैप देख लेना, फिर आगे के जितने बनाओगे कंट्रोल डी से रिपीट, फ्रेम को पकड़ के एक्सपेंड, फोटो चेंज करना आपको तो आते ही कैसे करते हैं, ठीक है, फोटो को पकड़ना है और उसके ऊपर ही पेस्ट करना है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, क्या करें, किधर गया, इसमें है, बोले भाई लेकिन मिथुंदा बन गया एकदम से, यहाँ से मिलेगी, कॉपी इमेज और फिग्मा में ट्राई करके देखते हैं। तो जब लोग उसको सेलेक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी इमेज सेलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, इस तरह से डालना है, तो जो भी आपको फोटोग्राफ समझ में आती हो यहाँ से अपना एक बार लेके ना सब डाउनलोड करेगा, कॉपी पेस्ट सारा, और फिर एक साथ सबको सेलेक्ट, तो मैंने सिखाया था ना सबको, वो ड्रॉप करते जाना है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा डेमो देख ही लें इस चीज़ का, ओपन इमेज न्यू टैब, ओपन में कोई भी आने दो, ठीक है, चलने दो उसे ऐसे जल्दी से, आपने एक छोटा सा काम इसके अंदर करना है, इसमें आप देख रहे हो फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में चेंज होने लग जाती है, तो जब कोई यूज़र माउस ओवर करे तो आपने वो वाला इसके अंदर चेंजिंग वाला बना दें आफ्टर डिलीवरी, माउस ओवर पे करना है लेकिन, ठीक है, तो कुछ इमेजेस हमने यहाँ से लिए इस तरह से, और एक क्या करेंगे फिग्मा का ओपन कर लो फिर से, आप अलग से फ्रेम, ऐसा कैसे हो सकता है, कितना रियलिस्टिक नहीं कर सकते ना, ये तो तुम धोखे ही रहे हो ना सामने फाइनल तो उसमें निकलता है जो वेबसाइट बनती है, नहीं वो सभी के साथ होता है, इसका तो फिर भी बहुत अच्छा है, सबसे बुरा तो एक्सडी का होवर है, एक्सडी में होवर बनाओ वो कभी ढंग से चलता ही नहीं, इमेज डाल रखी सारी उल्टी सीधी, ये हमें दिक्कत देने वाली है, एक कभी सही ढंग का नहीं, चलो सबको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्या बोलेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है, पीएनजी जेपीजी जो भी आपको बनाने का, एक्सपोर्ट 10 लेयर्स, तो कहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, टीटीएस
पे बना लो फिग्मा, फिग्मा के अंदर फ्लिप कर दो कार्ट को। हटती नहीं है, अभी ट्राई करके देखते हैं ऐसे कैसे। अच्छा चलो भी देखते हैं ऐसा कुछ है क्या। तो कैसे लेके जाते हैं फोटोग्राफ सर, ऐसे ड्रैग करके? हाँ कॉपी कर लो यहाँ से ऐसे, फिर कैसे ऐसे? नहीं तो एक एक कॉल करनी है ना, प्लेस में से हो ना, मेहनत कर रहा हूँ मैं इसमें। हाँ ठीक है, तो ये प्रॉब्लम करता है ना आपको, एस्केप दबा दो चली जाती है। ठीक है यहाँ देख रहे हो जब मेरा माउस जा रहा है उसके ऊपर तो दिखाई दे रहा है ब्लू लाइन बन रहा है। सही ना, हो गया अपना काम। बस यहाँ से जाके इसको अगर देखें प्रोटोटाइप में, बस पहले मैकबुक प्रो सेलेक्ट कर लेना। वो इसलिए है ना क्योंकि इमेज सारी रैंडम साइज की वहाँ पर, इसलिए थोड़ा टाइम देना इसको रेंडर होने का। फिनिशिंग के साथ आपका सारा डेटा आ जाएगा। ये हमारा एक्चुअल साइज है। ठीक है तो पहले ना वो छोटे दिखाई देते हैं, ये क्या करता है फिट टू। हाँ इसमें वो वाला फीचर नहीं, तो टेक्स्ट वाला काम आपने वहाँ से लेना है XD से, उसमें बहुत क्विकली काम होगा आपका। ठीक है नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। वैसे क्लाइंट जो होता है ना उसको टेक्स्ट टेक्स इतना मतलब नहीं होता है क्योंकि ये एक प्रोटोटाइप होता है। तो आपने इस बार एक डमी बना के दिखाना कि भाई प्रोडक्ट आपके डेस्कटॉप पर ऐसे दिखने वाले हैं, मोबाइल पर इस तरह से जाएंगे, टैबलेट पर इस तरह से होने वाले हैं। ठीक है तो जैसे हमने अभी डेस्कटॉप के लिए अपने कार्ड सेट कर दिया था ना, ऑटो वेट वगैरह सारी चीज़ें करके, तो ज़रा एक बार दोबारा से ट्राई करके देखते हैं यहाँ के लिए कि भाई हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। पहले वाले फ्रेम भी की थी ना शायद, कॉपी करेंगे यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसको बढ़ा करके देखो। तो अब काम सही चल रहा है अपना, तो समझ में आ रहे हैं ऑटो लेआउट, तो हमारी मेहनत कम लगेगी इसके अंदर। तो जैसी भी स्क्रीन होगी अपना कंटेंट अपना आप बड़ा होगा, ये अपनी जगह अपने आप सेट रखेगा, आपका काम हो सकता है। तो इसलिए एक बार किसी के लिए भी बना लो वो फिर सब में चला सकते हैं। अभी उस पर भी आएंगे, तो ऑटो लेआउट आसान हो गया आज से है, इतना तो आता ही है, तो इतना ही होता है, ज़्यादा और कुछ बचा नहीं इसमें, थोड़ा बहुत और कराएंगे ख़त्म हो जाएगा। अभी इसमें फिक्स वाला और आपको बता देंगे ना, फिक्स मिनिमम वेट ये सारी वेट, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो जी आज के लिए इतना बहुत है।